सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के चर्चे इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि शहनाज सिद्धार्थ को तगड़ी कंपटीशन दे रही है और टॉप थ्री में भी हो सकती हैं। ऐसे में मेकर्स रश्मि देसाई को टॉप थ्री में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अब टीवी पर सिर्फ शहनाज के नेगेटिव सीन्स दिखाए जा रहे हैं ताकि लोगों का शहनाज को लेकर क्रेज कम किया जाए और रश्मि देसाई को स्क्रीन स्पेस ज्यादा मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच एपिसोड में एक बार फिर लड़ाई देखने को मिली थी, जिसके बाद उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। कन्फेशन रूम में सिद्धार्थ बहुत देर तक बिग बॉस से बातें करते रहे और उन्होंने शो छोड़ने तक की धमकी भी दे दी, जिसके बाद बिग बॉस ने शहनाज को कन्फेशन रूम में बुलाया। जी हाँ, शहनाज को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, लेकिन शहनाज का ये सीन टीवी पर नहीं दिखाया गया। अगर आपने एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आज के एपिसोड में एडिटिंग में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, जिनसे साफ नजर आ रहा था कि जिस समय बाहर गार्डन में हिना खान टास्क करा रही थी, उस समय कुछ देर के लिए शहनाज गिल मिसिंग थी। शहनाज बाद में वहां आई थी जब विशाल ने आरती को बाल काटने को कहा था। ऐसे में इतनी देर तक शहनाज कहां थी? दरअसल शहनाज को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था जहां सिद्धार्थ मौजूद थे। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बावजूद इसके सिद्धार्थ शहनाज की ही सुनते हैं। ऐसे में जब शहनाज कन्फेशन रूम में गई तो उन्होंने सिद्धार्थ को मनाया, उन्हें गले भी लगाया, लेकिन ये सीन बिग बॉस ने काट दिया। इसके बाद सुबह दोनों दोबारा एक साथ सोते नजर आए। हालांकि सिद्धार्थ की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वो शहनाज से बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन ये भी सच है कि जब वो गुस्से में होते हैं तो सिद्धार्थ को सिर्फ शहनाज ही चाहिए। ऐसे में सोचने वाली बात है कि शहनाज का सिद्धार्थ के साथ कन्फेशन रूम का पॉजिटिव सीन मेकर्स ने क्यों नहीं दिखाया, जबकि ये सीन सिद्धार्थ फैंस के लिए ट्रीट हो सकता था। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में शहनाज की स्क्रीन अपीयरेंस भी कम कर दी गई है। यही नहीं, शहनाज ने माहिरा और पारस से जो सिद्धार्थ को लेकर बातें की थी वो भी काट दी गई, जबकि आसिम के साथ शहनाज के सीन्स दिखाए गए ताकि शहनाज को नेगेटिव दिखाया जा सके। इसके अलावा शहनाज और सिद्धार्थ के मूवमेंट्स भी अब सिर्फ अनसीन में ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मेकर्स एपिसोड में उन सीन्स को टेलीकास्ट नहीं कर रहे हैं। इससे साफ है कि यहाँ पर मेकर्स क्लियरली रश्मि देसाई को सिद्धार्थ के साथ टॉप टू में ले जाना चाहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब शहनाज का वोटिंग शेयर कम किया जाए और सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी को भी कम किया जाए, और कहीं ना कहीं मेकर्स इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी को अगर फैंस इसी तरह पसंद करते गए तो फैंस जरूर चाहेंगे कि ये दोनों ही टॉप टू में हो, जो कि मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि क्या सिडनाज फैंस सिद्धार्थ और शहनाज पर यकीन कर उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे या फिर ये जोड़ी टूट जाएगी। तो ये थी बिग बॉस 13 की लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।